किसान वीरो, जैसा कि आप मुझसे डिमांड करते रहते हो कि आप अपने फार्मिंग चैनल पे हम डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना धन नहीं है, तो हम लोन कैसे ले सकते हैं, उस पर सब्सिडी वगैरह कैसे है, तो इसकी जानकारी के लिए मैं यूको बैंक की जो स्टॉल लगी हुई है देहरादून मेले के अंदर, तो वहाँ पर पहुँचा हूँ। हमारे साथ सर हैं, सर से हम इसकी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं पहले तो मेरा नाम बता दूँ, मैं पीके सिंगल, चीफ मैनेजर प्रायोरिटी सेक्टर और एग्रीकल्चर का इंचार्ज हूँ जोनल ऑफिस देहरादून में, और मेरे साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर के अरुण रावत जी हैं। और ये जो स्टॉल है, इसका लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि किसानों को जो है डेयरी फार्मिंग और कृषि के अंदर अपनी आय बढ़ाने के लिए हम उनको जागरूक कर सकें, और उनको जो भी दिक्कतें किसानों को जो है लोन लेने में आती हैं, हम उसका किस तरह से निराकरण कर सकें। तो सर, मैं सबसे पहला सवाल ये रहेगा मेरा भी, डेयरी फार्मिंग के लिए पहला स्टेप क्या होगा, उसको लोन लेने के लिए क्या करना होगा? देखिए, किसान दो तरह के हैं, जिसने एक तो है किसान जो पहले से जिसके पास कोई अपने पशु है और अपने घरेलू तरह से जो है व्यवसाय में लगा हुआ है, उसको वो बढ़ाना चाहता है। तो जो बढ़ाना चाहता है उसके लिए दो तरह की स्कीमें हैं, जिसमें कि 10 पशु तक की स्कीम है नाबार्ड की, जिसको बोलते हैं डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीईडी की स्कीम है। उसमें उसको सब्सिडी मिलती है, 25% सब्सिडी जो है वो सामान्य जाति के लोगों के लिए है, और 33% सब्सिडी जो है एससी एसटी के लिए लोगों के लिए है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसकी जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार द्वारा इनको बजट में एलोकेट की जाती है, और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे होती है। तो उसमें बहुत सारी बार क्या होता है कि हमने अप्लीकेशन प्रोसेस कर दी, जब उसको हम ऑनलाइन डालने जा रहे थे तब तक वो सब्सिडी खत्म हो गई, तो एक सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसके बावजूद अब गवर्नमेंट ने जो केंद्र सरकार ने जो मुद्रा की स्कीम निकाली है, उसमें 10 लाख तक जो है कि जो किसान जो है वो मुद्रा के अंदर भी जो है वो डेयरी के स्कीम को कवर कर सकते हैं, वो सिर्फ सब्सिडी को छोड़ करके। ठीक है सर। तो सर, वो मुद्रा की जो स्कीम की आपने बात की, तो सर किसान उसको कैसे ले सकता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज किसान को अवेलेबल है? किसान को उसमें सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उसके अंदर से जो ऋण का जो प्रतिशत है वो बैंक के MCLR पे फिक्स है। हमारा आज की डेट में MCLR 8.65 है। उसके अंदर किसान आकर के बताएगा कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे को गाय बांधने के लिए, भैंस बांधने के लिए जगह है, और मेरे को मुद्रा के अंतर्गत 5 लाख 4 लाख जो भी उसने अपने किसान का बनाया, 3 गाय का, 4 पशु का, 5 पशु का, वो उसके अंदर से बैंक को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बना करके देगा, अपने हाथ से बना करके दे दे। नहीं तो कई दफ़ा अगर किसान आता है तो बैंक एम्प्लाइज जो है हम उसको उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी मदद करते हैं। तो सर, मुझे आप एक बात ये बताना चाहें, किसी किसान को वो डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, उसके पास कोई पशु नहीं है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहता है, उसके लिए क्या स्कीम है? उसके लिए भी ये स्कीमें हैं, स्कीमें वही हैं। एक मैंने आपको बताया कि दो तरह के लोग हैं, जिनको पहले से एक पूर्व में आपका एक्सपीरियंस है, और एक बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है लेकिन वो गाँव के परिक्षेत्र में रह रहा है, और जो गाँव के परिक्षेत्र में रह रहा है तो उसको कम से कम किसी न किसी रूप में डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी है ही। तो उसको हम जो है नाबार्ड से और कौशल विकास केंद्र, जैसे ये PDFA खुला है, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन, इनके यहाँ जो है कौशल विकास केंद्र में डेयरी के लिए जो काम करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हमारे पास जो अगर किसान आते हैं वो कहते हैं कि हम बिल्कुल हमारे पास अनुभव नहीं है, तो हम कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में उनको प्रशिक्षण दिलवाते हैं, और उसके अलावा फिर हम जो है नाबार्ड से या मुद्रा में, या फिर अगर कोई हाईटेक डेयरी लगाना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट स्कीम है, उसके लिए हम उसको जो है ऋण प्रदान करते हैं। तो सर, जो आपने सब्सिडी की बात की है, वो सब्सिडी सर हर तरीके के लोन में मिलती है किसान को? किसान को देखिए, सब्सिडी का किसान के अगर किसान क्रेडिट कार्ड अगर ले रहा है तो उसके अंदर से लोन ऋण की सब्सिडी है, अनुदान है उसके अंदर से जी सर। और अगर डेयरी के लिए ले रहा है तो डेयरी के लिए नाबार्ड उसको सब्सिडी दे रहा है, और अगर जो है नाबार्ड मैंने बताया कि 33% और 25% सब्सिडी देता है, तो वो हर तरह के किसान के लिए उपलब्ध। सर, वो सब्सिडी है वो बाद में मिलेगी किसान को, या जो उसका ऋण है उसी में से उसकी? नहीं, उसमें सब्सिडी का ऐसा होता है, जब किसान ने हमारे को अप्लाई कर दिया और हमने उसके पोर्टल में डाल दिया, तो नबार्ड से वो सब्सिडी हमारे को स्वीकृत हो जाती है, तो जब हम उसको डिस्बर्समेंट करते हैं तो उसकी सब्सिडी हमारे पास आती है, वो बैक एंडेड सब्सिडी होती है, 3 साल तक वो हमारे पास रहती है, 3 साल तक उसका जब चुकौती हो जाती है तो हम उसके खाते में उस सब्सिडी को डाल देते हैं। उस सब्सिडी पे ना तो हम कोई ब्याज लेते हैं और ना हम उस पे कोई ब्याज देते हैं। तो सर, मेरा एक सवाल ये रहेगा, जैसे कोई नया किसान है वो आपके लोन ले रहा है सर, उसको काफी किसानों को ये होता है उस पर इंटरेस्ट क्या आप तक कितना लगेगा, तो इसको बता सकते हैं भी आजकल इंटरेस्ट कितना है इस पर? देखिए, मैंने आपको बताया नबार्ड से जो स्कीम लेंगे उसके अंदर MCLR प्लस 1.15% है, या लगभग आपका 8.65% हमारा MCLR है, उस पर 1% और 1.15% जोड़ दिया तो 9.80 के लगभग हमारा हो गया। अगर मुद्रा में कोई लोन लेने के लिए आ रहा है तो उसको जो है 8.65 पे हम लोन देंगे, और इसके अलावा अगर कोई हाईटेक डेयरी लगाना चाह रहा है जिसमें 10 पशु से ज़्यादा की है, तो बैंक का 25 लाख तक का हमारा हाईटेक डेयरी की स्कीम है, 25 लाख तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है MCLR प्लस 1.15% है,
और 25 लाख से अगर ऊपर कोई जाता है तो MCLR पॉइंट प्लस 2.15% है। तो सर इसके अलावा आप जैसे सर बैंक अधिकारी हैं, किसान आपके पास आते होंगे, उनकी क्या क्या समस्याएं रहती हैं, उनका उनके जो भ्रम है उसके बारे में सर आप जरूर बताएं भी कैसे किसानों को मिले? किसानों को एक सबसे बड़ा ये रहता है कि हमारे को जो है ज्यादातर बिचौलियों के शिकार होते हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कि उनको बिचौलियों से बचाया जाए और इसके लिए बैंक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन निरंतर रूप से गाँवों के अंदर चला रहा है ताकि उनको हम जागरूक करें, आपने बैंक से कैसे लोन लेना है, क्या क्या कागजात की जरूरत है, कैसे कैसे आपको उसके अंदर से ऋण की चुकौती करनी पड़ेगी, कब कब आपका लोन चुकाया जाएगा, कैसे कैसे उसकी भरपाई होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर उनको समय समय पर जानकारी देते हैं। और नबार्ड के सहयोग से और बैंक हर महीने हर रूरल ब्रांच को ये ताकीद की गई है कि वो हर महीने एक FLC जो है वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर करेगा। सर मैंने देखा है बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमने पहले ही KCC बनवा रखी है, हमारे पास छोटा लोन है पहले ही, तो सर इसके बावजूद भी वो डेयरी फार्मिंग का लोन ले सकते हैं? देखिए अभी जो केंद्र सरकार ने जो स्कीम दी है कि किसानों की आय को दुगना करना है 2022 तक, केवल किसान खेती करके जो है अपनी आय को नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि जोतों का आकार छोटा हो गया है, उपज का दाम उसको नहीं मिल रहा है, बाजार के अंदर बिचौलिए हैं, सब चीज़ें मंडी का है, अब उसकी अपनी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, तो गवर्नमेंट जो है वो अलाइड एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देने की बात कर रही है क्योंकि देखिए मेरे पास 2 बीघे ज़मीन है या 1 बीघे ज़मीन है, मैं खेती कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ मैंने अपने घर के लिए, हर किसान अपने खेत के लिए घर के लिए 1 पशु 2 पशु पाल रहा है लेकिन उसके पास समुचित ज़मीन की उपलब्धता है तो 3 पशु 4 पशु 5 पशु लेकर के अपने कारोबार को बढ़ाए और कारोबार को बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो उसकी खुशहाली बढ़ेगी, इसीलिए हमने लिखा है कि कृषक की आय को बढ़ाना है और देश को खुशहाल बनाना है। सर बताना चाहेंगे बेसिक डॉक्यूमेंट किसान के पास क्या होने चाहिए? देखिए जो मैंने आपको बताया कि पहला तो यह है कि वो उस गाँव का अपने इलाके का मूल निवासी होना चाहिए, प्लस उसके पास अपना आधार कार्ड और KYC डॉक्यूमेंट है वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। और जो मैंने आपको बताया मुद्रा तक के अंदर लोन लेने के किसी प्रकार की कोई गारंटी की जरूरत नहीं है उसको, तो वो सिर्फ उसकी अपनी जो जमीन है बस वही समीटा, वो हम उसको बंधक नहीं रखते हैं, सिर्फ उसका क्रेडिट गारंटी फंड के अंदर हम उसको कवर करते हैं गारंटी को। अगर 10 पशु से ऊपर अगर जाएगा तब उसके लिए भूमि बंधक करने की जरूरत पड़ेगी। सर एक बात और बताएं, जो किस्त होती है वो महीने वाइज 6 महीने वाइज वो कैसे कर सकता है? किसान को जो है हम मॉरेटोरियम पीरियड देते हैं 3 महीने से लेकर 18 महीने तक का, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है जी सर। आपको जो है मासिक किस्त उसके अंदर से आपको जो देनी पड़ेगी और उसी हिसाब से उसको जो है ब्याज लगता है और घटती पद्धति पे ब्याज लगता है। हम लोग दूसरे बैंकों की तरह या महाजन की तरह नहीं है, आज आपका मान लीजिए किस्त 5,000 है, 5,000 में जो 2,000 ब्याज लग रहा है तो 3,000 आपका आज से मूलधन में कम हो जाएगा, ठीक है, आज से उसका जो है 5,000 पे कम ब्याज लगना शुरू होगा, तो घटती पद्धति पे है और दिन के हिसाब से ब्याज के अंदर से घटोतरी होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप जमा करते हैं तो आपको उतने पूरे महीने का आपको एडवांटेज मिल जाएगा ब्याज के अंदर से। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके अलावा सर आप फार्मर्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? फार्मर्स को मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि बैंक के अंदर आने के लिए वो कोई भी कोताही ना बरतें, दलालों से बचें और सीधे आकर के ब्रांच के अंदर जो है शाखा प्रबंधक से संपर्क करें, बेधड़क होकर के बातचीत करें और जितना ज्यादा उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी लें और उसके अंदर किसी भी तरह के सवाल जवाब करने से उसके अंदर से अपना अपना हिचक ना दिखाएं, वो जो चीज़ उनके दिमाग में प्रश्न आ रहा है वो प्रश्नों को पूछें कि ब्याज कैसे लगता है, इसकी चुकौती कैसे होगी, मेरे को भूमि बंधक करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पशु का बीमा कैसे होगा, पशु का दूध अगर मेरा नहीं बिक रहा है तो कहाँ होगा, ये सब जानकारी अगर वो लेना चाहेगा तो बैंक उसके अंदर से सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। और अगर किसी तरह के किसान हिचक दिखाता है तो उसको समस्या वहीं पे पैदा हो जाती है क्योंकि जो बीच के दलाल लोग हैं वो फिर उसको पकड़ते हैं जाकर के, और हमारा मूल उद्देश्य भी यही है कि दलाली प्रथा को खत्म करके किसानों के साथ सीधा संवाद बनाया जाए। तो किसान भाइयों आप अपने नज़दीकी यूको बैंक से संपर्क करें या अन्य जो सरकारी बैंक हैं उनसे संपर्क करें, ये सभी सरकारी बैंकों के लिए अंदर एक तरह की सामान्य स्कीम है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा जो भी इसके जो पोषित स्कीमें किसानों के लिए हैं वो सभी नेशनलाइज बैंकों के अंदर उपलब्ध हैं और सभी नेशनलाइज बैंक उसी तरह से काम करते हैं। तो आप यूको बैंक के साथ साथ सभी सरकारी बैंकों से संपर्क करें, वहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वहीं से आपको पूरा लोन मिलेगा, लोन का सर ने प्रोसेस बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन बता दी है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय से बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि यूको बैंक की प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में है हमारी, ठीक है सर, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है तो इसकी प्रेजेंस हर जगह है, तो मतलब सभी किसान इससे लोन ले सकते हैं, ये सब जगह मिलेगा बाकी सर से। तो सर ने बताया कि इसकी बैंक की शाखाएं सारे भारत में आपको मिल जाएंगी, तो आप अपने नजदीकी यूको बैंक में संपर्क करें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान वीरों, आप भी अपनी कीमती राय जरूर रखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।